पूछना, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं, किसका ऑफिस है? किस पार्टी का? इंडिया गठबंधन का पार्टी है। कौन कैंडिडेट है आपका? सुमन कुमार महासेठ जी है। सुमन कुमार महासेठ, आप लोग सुमन कुमार महासेठ को क्यों वोट दीजिएगा? क्या बात है इसमें, क्या है? हम लोग सीधा देख रहे हैं लालू यादव राहुल गांधी। अच्छा, दिल्ली को देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो लालू यादव और मान लीजिए किनको देख रहे हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को देखते हुए आप इनको वोट दे रहे हैं जी। लोगों का कहना है कि दो दिन पहले ये बीजेपी से जुड़े हुए थे और बीजेपी के मान लीजिए प्रचारक भी हैं और जिस पार्टी से जुड़े हैं वह हम पार्टी से है। तो सहनी जो है नीतीश सहनी वो भी बीजेपी का आदमी है। अगर मान लीजिए जीत करके ये चले जाएंगे और फिर ये बीजेपी में आ जाएंगे, कोई गारंटी तो है नहीं आजकल तो देख ही रहे हैं। तो किस आधार पर आप मान लीजिए निश्चित है आप लोगों को जिताएंगे जो है? वो तो पार्टी तय करेगी, वो तो पार्टी जिसको टिकट दिया है हम लोग उसको मदद करेंगे। हम लोग जिले उतर अभी देख रहे हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस बार जीतेंगे? जी जी, इस बार पूरा। कैसे कैसे आप लोग आकलन किए हैं कि सुमन महासेठ जीतेगा? ये यहाँ आप एक आकलन बताइए आप लोग। यहाँ जितने का मुस्लिम का वोट एकजुट जा रहा है, यादव का वोट जा रहा है, मल्ला का वोट जा रहा है सुमन महासेठ। मुस्लिम का वोट जो है क्या पहले वाला मुस्लिम का वोट है कि एकजुट होकर जीतेगा? जी जी जी। गुलाब यादव में नहीं कटेगा? जी नहीं नहीं नहीं। सब बीच में नहीं जाएगा? जी नहीं, सारा जाएगा इंडिया गठबंधन। सारा इंडिया गठबंधन जाएगा जी, ये निश्चित है। हाँ हाँ, देखिए आज कल आज तो जीती गया, कल मात्र प्रचार का दिन है। 7 तारीख को आप लोगों का इलेक्शन होने वाला है जी जी। कहावत है कि पहले मतदान तब दलता, समझिए। क्या आप ये जो कह रहे हैं सब बात है क्या? सही बात, सही बात है, सही बात है, सही बात है। ये जीत जाएगी सुमन महासेठ? हाँ जीत जाएगा। लेकिन लोग कह रहा है कि जो बाहरी है गुलाब यादव यहाँ से लोकल है, हम लोग गुलाब यादव को जिताएंगे, क्या देख रहे हैं? ये तो कोई बात नहीं, बाहरी नहीं, वो भी यहीं के है। यही का है? हाँ वो भी। यहाँ जो कॉम्पिटिशन है किसमें किसमें देख रहे हैं? कॉम्पिटिशन नहीं है कहीं यहाँ पे। रामचरित मंडल को इसमें है, इंडिया गठबंधन में फंसेगा सुमन जी को। और हाँ बाकी गुलाब जी को नहीं, वो 3 नंबर पे है। 3 नंबर पर है। अच्छा, तो मतलब निश्चित रूप से आप लोग इनको सुमन महासेठ को जिताइए? जी यही ना जी। एक बात बताइए कि सुमन महासेठ पर आप लोग इतना विश्वास कर रहे हैं जीतने के बाद, जैसे रामप्रीत सिंह जीतते गए किसी से मुलाकात तक नहीं हुआ, लेकिन ये जीत के जाएंगे और आप लोगों से मुलाकात करेंगे, आप लोगों का समस्या समझेंगे, आप लोगों का दुख दर्द समझेंगे और काम करेंगे, क्या इनके ऊपर में आप लोगों को विश्वास है? हम लोग को कैंडिडेट के ऊपर नहीं, हम लोग सीधा ऊपर दिल्ली के लगाए देख रहे हैं। हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, हम लोग राहुल गांधी के ऊपर। राहुल हाँ, राहुल जी और लालू जी। जी जी जी। हाँ, तो आपका काम यहाँ नहीं करेंगे, आप लोगों का समस्या नहीं देखेंगे। वही आपका नाम क्या है? ममता जी, क्या मान लीजिए आप युवा नेता है, युवा कार्यकर्ता है, क्या लग रहा है आपको? किस आधार पर उनको आप लोग जिता रहे हैं? क्यों जिता रहे हैं? बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, इसके ध्यान नहीं रहता, सिर्फ घर का धंधा हो। आप लोगों को क्या क्या समस्या है अभी सरकार से? अभी ये सरकार से अभी जो है मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मंडल जी है, और ये सरकार जो अभी है मोदी जी का सरकार, उससे आप लोगों को क्या समस्या है? आप लोगों को जो सुधार मिलता है महंगाई ज्यादा हो गया, बेरोजगारी। मैंने हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ तो भेदभाव नहीं चुका है, घर भी आप लोगों को मिला है, 6,000 रुपया मिलता है वही मिला है, पैखाना भी मिला है, पानी भी मिला है, जो सुविधा सबको मिल रहा है, उसमें नंबर 1 पर आप ही लोग हैं। सर्वे जो हुआ है उसमें सबसे ज्यादा आप ही लोग हैं। फिर आप लोगों के पास क्या समस्या है, क्या बात है? बेरोजगारी का समस्या है। बेरोजगारी का समस्या मेन चीज है, बेरोजगारी का समस्या।
क्या महंगाई, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि महंगाई कम हो, किसान किसान कह रहा है अभी में जो जिसके पास जमीन ज्यादा था, किसान कह रहा है कि हम लोग का अनाज महंगा हो, हम लोग का सब्जी महंगा हो, जो जो कोई फसल पैदा करता है वो कह रहा है महंगा करने के लिए, और आप लोग कहते हैं सस्ता करने के लिए। 2014 में जो बीजेपी की सरकार बनी थी उस समय में गैस की कीमत 600 रुपया था, आज गैस का कीमत हो गया है 1200 रुपया 1300 रुपया, और उसके बाद पेट्रोल जो था 60 रुपये 70 रुपये ऐसे 2014 में, आज 110 रुपये लीटर मिल रहा है। उसके बाद पढ़ाई लिखा एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, उसके बाद रोड सड़क जो कहिएगा आज 2 साल से इंदिरा आवास बंद है, पंचायत में फंड नहीं दे रहा है, सरकार बोल रहा है कि हम इंदिरा आवास इतना गरीब को दे दिए हैं, 2 साल से पंचायत में इंदिरा आवास नहीं आ रहा है, आज मान लीजिए पैखाना जो जो है लेट्रिन जो बोला बाथरूम हम दे रहे हैं वो आज 2 साल से नहीं दे रहा है, जो गरीब आदमी को वृद्धा पेंशन जो 60 वर्ष से ऊपर वाला को मिलता है वो भी 4 महीना पे 6 महीना पे साल भर में कभी आता है, सरकार तो यहाँ पे महंगाई को चरम सीमा पर दे दिया है। भ्रष्टाचार तो बढ़ गया है यहाँ अब तक।